Hey everybody, Assalamualaikum. This is me, Alia Noor, and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, हम जैसे सुस्त लोगों के लिए तो बहुत ही फिट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट नूडल्स इन 3 डिफरेंट वेज। ऐसे इंस्टेंट नूडल्स बनाते आपने कभी ट्राई नहीं किए होंगे, और ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आपने कहना है ये इंस्टेंट नूडल्स। रेसिपी की तरफ चलते हैं, बट बिफोर गोइंग इन टू द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल एंड इट टेक नथिंग फ्रॉम यू, लाइक इट्स फ्री, सो प्लीज डू सब्सक्राइब। जी तो रेसिपी नंबर 1 है हमारी हॉट एंड सॉर इंस्टेंट नूडल्स। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में हॉट एंड सॉर सूप पीते हैं, बस उसकी नूडल फॉर्म है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक पतीली में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है, इसको गर्म होने देना है अच्छे से। ऑयल जब तक हमारा गर्म हो रहा है हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। अब इसे अच्छे से हिला लेना है कि लहसुन अदरक हल्का सा फ्राई हो जाए। अच्छा, ये रेसिपी ना स्वीट एंड सॉर सी होने वाली है, थोड़ी सूपी नूडल्स टाइप बनेंगे ये। अब इसमें हमने 6 to 7 टेबलस्पून केचप के डाल देने, 5 to 6 टेबलस्पून। इसको अच्छे से हिला लेना है। अब हमने 2 टेबलस्पून सोया सॉस के डालने और 1 टेबलस्पून चिली सॉस का डालना है, हॉट सॉस या चिली सॉस। मेरा थोड़ा कम रह गया था इसलिए मैंने दोबारा डाल दिया थोड़ा सा। अब 2 कप पानी डाल देना है इसमें और बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। इसमें कुटी हुई मिर्चें 1/4 टीस्पून डालनी है और 2 पिंच काली मिर्चें डालनी है। एक चम्मच चीनी का जाएगा इसमें। अब इसको बॉयल आने के लिए छोड़ देना है। जब तक इसमें बॉयल आ रहा है दूसरे चूल्हे पे हमने एक पैन में ऑयल डाल देना है और इसमें 1 कप चिकन के चंक्स बना के डाल देने हैं वो। अब इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। दो चम्मच सोया सॉस के डाल दिए ये हमने। 1/4 टीस्पून काली मिर्चें डालेंगे और 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और इसको अच्छे से हिला लेंगे जब तक ये कुक हो रही है। चिकन को कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं चिकन में। देखिए हमारा ये पानी बॉईल हो गया। अब इसमें हमने नूडल्स डाल देने, कोई से भी नूडल्स आप ले लें, जो भी आपको पसंद है। मुझे कनौर के चटपटा पसंद है, मैंने वो ले लिए। आप मैगी ले सकते हैं, रामेन नूडल्स ले सकते हैं, जो भी इंस्टेंट नूडल्स आपको पसंद है आप वो ले लें। अब ये नूडल्स हमारे हाफ डन हुए हैं तो इसमें हमने चॉप की हुई कैरेट्स, चॉप की हुई कैप्सिकम और चॉप की हुई ग्रीन अनियंस डाल देनी है। इसको मिक्स कर लेना है। अब जो चिकन हमने तैयार किया है उसके हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है, जो हमारे तीनों नूडल्स में यूज़ होगी, और इसमें से 1 पार्ट हमने नूडल्स में डाल देने हैं। और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार हॉट एंड सॉर नूडल्स बनके तैयार हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होंगे, आप एक बार ट्राई करेंगे बार बार ट्राई करेंगे। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सूपी है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये हमारे बहुत ही मज़े के स्वीट एंड सॉर इसका टेस्ट होगा, हॉट एंड सॉर नूडल्स बनके तैयार हैं। अब जी हमारी रेसिपी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये हमारे बहुत ही क्रीमी बहुत ही चीज़ी नूडल्स हैं। सस्ते वर्जन में आपको अल्फ्रेडो पास्ता मिल जाएगा। तो पैन में सबसे पहले हमने मक्खन को डाल देना है, 1 टेबलस्पून मक्खन ले लेना है, उसमें लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई कर लेना है। जब तक लहसुन अदरक चटकना नहीं शुरू होगा इसमें हम आगे प्रोसेस नहीं शुरू करेंगे। अब इसमें 1 कप हमने दूध डाल देना है,
और आधा कप पानी डाल देना है। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने क्वार्टर टीस्पून ऑरिगानो डालना है और क्वार्टर टीस्पून ब्लैक पेपर डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मुझे मेरी मामा से डांट पड़ गई है, इसलिए मैंने चम्मच चेंज कर लिया है कि नॉन स्टिक में स्टील का चम्मच चला रही थी मैं, सॉरी फॉर दैट। अब दो चीज़ के स्लाइसेस डाल देंगे हम इसमें और इसे अच्छे से मेल्ट होने के लिए रख देंगे जब तक इसकी थिक कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती। अब इसमें बॉईल आ गया, अब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। मैं वही कनौर चटपटा यूज़ कर रही हूँ, टेस्ट मेकर भी डाल देंगे उसका। नूडल्स को अच्छे से तोड़ लेंगे और हमारी चिकन का जो सेकंड पार्ट था वो इसमें अब डाल देंगे हम। सेकंड नूडल्स में सेकंड पार्ट जाएगा और नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी नूडल्स की कितनी क्रीमी कंसिस्टेंसी हो गई है और कितने मज़ेदार से चीज़ी से नूडल्स हो गए। अब इसमें एंड पे हम गार्निशिंग के लिए कह लें कैप्सिकम्स डाल देंगे चॉप करके, और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रीमी चीज़ी इंस्टेंट नूडल्स बनके तैयार है। इसे हम डिश आउट कर लेंगे। चीज़ लवर्स के लिए ये रेसिपी बहुत फिट होने वाली है, बहुत मज़े की रेसिपी है। अब हम रेसिपी नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो है कोरियन स्टाइल इंस्टेंट नूडल्स जो आजकल बहुत ट्रेंड में। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन में मक्खन डाल देना है, उसे मेल्ट कर लेना है और फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई हो गया है। अब इसमें हमने एक जेनरस अमाउंट सोया सॉस की डाल देनी है, क्योंकि कोरियन बहुत ज़्यादा सोया सॉस चाहती है क्योंकि उनके नूडल्स बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून टमाटो केचप के डाल देंगे, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून चीनी का डाल देंगे। अब इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे और इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे और टेस्ट मेकर भी डाल देंगे साथ के साथ। नूडल्स को तोड़ लेंगे। अब जो हमारी 3rd पार्ट थी चिकन की, वो भी हमने इसमें डाल देनी है। सारा डाल दें, सारा। इसके लिए ये देखें हमारे नूडल्स, अब हमारे नूडल्स हाफ डन हो गए हैं। तो इसमें हमने जूलियन कटी हुई कैरेट्स, ग्रीन अनियंस डाल देनी है और ग्रीन बीन्स को हमने बचा लेना है एंड पे गार्निशिंग के लिए। अब हमने 1 टीस्पून इसमें तिल के शामिल कर देने हैं और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार कोरियन स्टाइल नूडल्स बन के तैयार हैं। इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर ग्रीन बीन्स रख देंगे ऊपर। और तिल को अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे पूरे के ऊपर। बहुत ही, तीनों रेसिपीज़ आप ट्राई करें, बहुत ही अच्छी होने वाली।